चकद टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। देश विदेश दी खबरां लैके मैं हाँ गुरविंदर संधु। मारद नज़र हूँ तक दियाँ सुरखियां ते। सुमेध सैनी भगौड़ा करार, दल खालसा वालों पूरे पंजाब विच लगाए जा रहे वांटेड सैनी दे पोस्टर, गिरफ्तार करवाउण वाले नूं दिता जाएगा इनाम। जिला सैशन कोर्ट आते हाई कोर्ट तो झटका लगन तो बाद सैनी ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। संगरूर पहुंचे भगवंत मान ने सुमेध सैनी बाबत मीडिया सामने दिता वड्डा बयान, कहा सैनी हो सकता है बादलों के ठिकाने ते। मीडिया सामने मान ने कैप्टन नू मारियां शब्दी चपेड़ा, कहा लोकां दा भला सोचना देश द्रोह किवें हो सकदा है। अध्यापकां ने सिंगला दा घरों बाहर निकलना कीता मुश्किल, घर दे बाहर बैठे लगा धरना। किसान विरोधी पार्टियां तो बाद हुण मोदी दे चेहरे ही कड्डे मोदी दे वट, ऑर्डिनेंस कारण भाजपा दे वर्कर ही होए भाजपा खिलाफ औखे। हुण खबरां विस्थार नाल। दल खालसा ने अमृतसर विच सैनी भगौड़ा दे पोस्टर लगाए ने। दल खालसा दे बुलारे कंवरपाल सिंह बिट्टू ने मीडिया सामने कहा कि पुलिस सैनी नू फड़न विच नाकाम हो रही है, लगता है कि पुलिस ते सरकार सुमेध सैनी नू बचा रही ने। पोस्टर ते लिखा गया है कि जेड़ा भी शख्स सुमेध सैनी बारे जानकारी देगा या गिरफ्तार करवाएगा उसनू दल खालसा वालों बहादुरी पुरस्कार दिता जाएगा। साबका डीजीपी सुमेध सैनी के सिर ते गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है, जिसके तहत सैनी की गिरफ्तारी नूं लैके पंजाब पुलिस वालों लगातार सैनी के घर छापेमारी की जा रही है, पर सुमेध सैनी पुलिस की गिरफ्त तो बाहर है। जिस तो बाद दल खालसा ने पूरे पंजाब च सैनी भगौड़ा के पोस्टर लगाने शुरू कर दिए ने। इसे तहत बीती शाम नूं अमृतसर च भी यह पोस्टर लगाए गए। इस मुद्दे ते गलबात करदे हुए दल खालसा दे बुलारे कंवरपाल सिंह बिट्टू ने कहा कि पिछले लंबे समय तो पुलिस सुमेध सैनी नूं फड़न विच नाकाम हो रही है, इस तो पता लगता है कि पुलिस ते सरकारां सुमेध सैनी नूं बचाउण विच लगियां होईयां ने। इस मौके दल खालसा दे बुलारे कंवरपाल सिंह बिट्टू ने पुलिस अते सरकारां नूं खूब शब्दी चपेड़ा मारियां, नाल ही पुलिस अते सरकार नूं सवालां दे घेरे च खड़ा कर दिता। उन्हां कहा कि जिहड़ा भी आदमी सुमेध सैनी बारे जानकारी दे के उसनूं गिरफ्तार करवाएगा दल खालसा उसनूं बहादुरी पुरस्कार दे नाल सम्मानित करेगी ते गोल्ड मैडल देवेगी। पंजाब दा साबका डीजीपी कानून तो भगौड़ा हो चुका है, पुलिस ते सरकार दे नाल लुकण मिटी खेड रहा। असी लोकां दे विच अवेयरनैस क्रिएट करन लई पोस्टर ला रहे हां कि ये शख्सियत वॉन्टिड है इन अ मर्डर क्राइम, ये भगौड़ा हो चुका है और भगौड़ा होए बंदे नूं फड़ाउण ते फड़न वाले नूं असी बहादुरी पुरस्कार देंगे, असी उसनूं गोल्ड मैडल दे नाल सन्मानित करांगे। असी चाहुंदे हां कि ये जिहड़ा कातल है, निर्दोष लोकां दा कातल है, जिन्ना जिहदे उत्ते कतल दे केस ने कुछ तो ट्रायल च है, ईवन जिहड़े इन्हे अपने कज़न सैनी मोटर्स जिहड़े लुधियाने वाले ने वह भी मारे हुए ने, उहदा भी केस CBI दे अदालत विच दिल्ली दे विच चल रहा है, और ये अपने सरकारी लिंक करके इन्ने सालों तो बचा होया। तो जिहड़ी सैनी मोटर्स की माता सी जिन्हें केस किया सी, जिहदे बच्चे मारे ने, वह 100 साल के नेड़े तेड़े हो के मर गई, 27 साल वह केस लड़ती रह गई, पर सरकारां ने ते अदालतां ने इहदा इहनूं अजे तक सज़ा नहीं दिती, इसका कुछ भी बिगड़िया नहीं है। इतों पता ला लो कि ये लिंक इंडियन स्टेट के नाल किन्ने ज़्यादा ने। सो असी अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए लोगों दस रहे हैं, एक तरह नाल असी सरकार के उत्ते अपना एक मॉरल प्रैशर भी बिल्ड कर रहे हैं
कि असी तुहाडे वल देख रहे हां, तुहाडी जिहड़ी लुकन मिट्टी है, जिहड़ी तुहाडी नरमी है, जिहड़ा तुहाडा मिली भुगत है आपस दे नाल, जिहड़ा फ्रेंडली मैच कर रहे हो रेड्स करके, ये लोगों नूं हजम नहीं हो रहा। अगर तुसी फड़ना चाहो तो तुसी फड़ सकदे हो। सानूं यकीन है कि डी जी पी पंजाब नूं पता है, अगर वह पकड़ना चाहे वो इनू 24 आवर से पकड़ सकता है। जतन जदों जैड सिक्योरिटी है तो पता कि वह घर नहीं है तो फिर रेड करन दा की फायदा। मेरे वर्गे बंदे नूं पकड़न लई मैनूं बहुत वारी पता है कि पहला एक सिविल क्लोज के पहला घर भेजा जाता, वो यकीन बना लेंदा कि मैं घर ही हाँ। उस तो बाद वर्दी वाले आते हैं, उत्थे दे सिक्योरिटी फोर्सेस सीगियां, उन्हां तों इन्हां नूं पता नहीं कि वह घर नहीं है। उसकी जैड सिक्योरिटी वापस होनी चाहिए है। जदों हाई कोर्ट ने उसकी बेल रिजैक्ट कर दी, 302 की FIR दर्ज होगी, फिर कहदी जैड सिक्योरिटी है वापस लो, वो ही इज़ नॉट VIP। बिल्कुल पॉलिटिक्स चल रही है, इस करके असं पब्लिक प्रैशर बिल्ड कर रहे हैं। बलवंत सिंह मुल्तानी लापता केस च साबका DGP सुमेध सैनी नूं पहला ज़िला सैशन अदालत तों वड्डा झटका मिलिया सी। उस तों बाद उन्हां हाई कोर्ट दा रुख कीता, हाई कोर्ट तों वी सैनी नूं मूँह दिखाणी पई, जिस तों बाद हुण सैनी ने सुप्रीम कोर्ट दा रुख कर लिया है। जी हाँ, सैनी दे वकील ने हुण सुप्रीम कोर्ट विच सैनी दी अगाऊ जमानत अर्जी दाखिल की है। पंजाब विच सिख जथेबंदियां वल्लों सैनी दा लगातार विरोध किया जा रहा है, भगौड़ा करार दे दिता गया, जिसते पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं ते गिरफ्तार करवाउण दी मंग की जा रही है। संगरूर पहुंचे भगवंत मान ने सुमेध सैनी बाबत मीडिया सामने वड्डा बयान दिता। उन्होंने कहा कि हो सकता है सुमेध सैनी बादलों के ठिकाने पर होवे। इस मौके मान ने बादलों कैप्टन अते पुलिस नूं लम्मे हथी लिया। सुमेध सैनी 302 दे केस च भगौड़ा है, वह जैड प्लस सिक्योरिटी चो किवें भज गया। आम लोगों नूं फड़न वास्ते तां पुलिस उन्हां दे रिश्तेदारां नूं वी चुक लियाउंदी है। यह पुलिस ते कैप्टन नूं शब्दी चपेड़ा मारियां ने संगरूर पहुंचे भगवंत मान ने। देखो, सुमेध सैनी होरी जिहड़े ने 302 दे केस दे विच भगौड़े ने, जैड प्लस सिक्योरिटी चो किवें भज गए। तो आम बंदे नूं फड़न वास्ते तां जिहड़ी पुलिस आ उन्हां दे रिश्तेदारां नूं वी चक लिआउंदी है, तो हुण तो उन्हां नूं छेती छेती फड़िया जावे। सैनी दे नाल नाल मान ने बादलों अते कैप्टन नूं वी अड़ीके लिया। एक एक परदा फोलदे होए उन्हां कहा कि सैनी बादलों के ठिकाने ते भी हो सकता है, जिहड़े उन्हां नूं हुण तक बचाउंदे आए ने। इस मौके मान ने पुलिस नूं सवालों के घेरे च खड़ा करके रख दिता। तुहानूं भी पुछना चाहिए कि वह उन्हां दा चेता अफसर सीगा, तो जिहड़े बादलों वेले दे जिहड़े केस चलते ने, ठीक है जी, उन्हां दा भी निपटारा होवे। बरगाड़ी जिहड़ा बेअदबी होई उस वेले भी DGP उही सी, बैबल कलां जदों गोली चली उस वेले भी DGP सुमेध सैनी सी, ते बादलों दा चेता अफसर है। पुराने केस भी ते आ केस भी जिहड़े जोड़ के सारी इनकुआरी होनी चाहिए, दुध दा दुध पानी दा पानी होना चाहिए। बादलों दे ठिकाणे ते भी रेडां होणियां चाहिए सुमेध सैनी नूं फड़न वास्ते। की पता कित्थे होवे जी, जिहड़े उन्हां दे चेते ने उन्हां दे घर ही होऊगा ना, जिहड़े उन्हां नूं हुण तक बचाउंदे आए ने। सो कैप्टन साहब भी लगभग बचाउंदे ही आए ने। सो तां हुण कोर्ट ने जिहड़ी 302 करवा के उस तों बाद उहदी जमानत दी अर्जियां रद्द करके कहा कि उहनूं फड़ो। हुण देखदे हां पंजाब पुलिस जिहड़ी है वह किन्नी कु आम लोगों लई तां जां चलान कट्टण लई तां बड़ी काली हुंदी है, ते एडे एडे संगीन धारावां जिहड़ियां लगियां होईयां कतलां दीआं, ते उन्हां दे जिहड़े अपराधी ने उन्हां नूं फड़न दे विच किन्नी कु मुस्तैदी दिखाउंदी है तां समां। आप दे आक्सीमीटर ते पंजाब च हो रही राजनीति दे चलदे भगवंत मान ने कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं मीडिया सामने खूब लानतां पाईआं। उन्हां कहा कि असीं लोकां दी जान बचाउण लई कोशिश कर रहे हां, ते मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं इह देश द्रोह लग रिहा है। बीते कल पंजाब आप प्रधान भगवंत मान संगरूर च बन रही PGI का दौरा करन पहुंचे, जिथे उन्हां मीडिया के सवालों के तिखे जवाब दिते। पंजाब च आप दे आक्सीमीटर उत्ते हो रही राजनीति बारे मान ने कहा कि एक पासे तां कैप्टन साहब कह रहे हैं कि कोरोना दा आक्सीमीटर नाल कोई संबंध नहीं, दूजा कहंदे ने कि असीं 50,000 आक्सीमीटर बनांगे, असीं लोकां दी जान बचाउण लई कर रहे हां, जिस विच कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं देश द्रोह लग रहा है। इस मौके मान ने कैप्टन नूं खूब खरियां खोटियां सुनाईयां। देखो, एक पासे तां इह कह रहे ने कि जिहड़ा आक्सीमीटर है उहदा कोई कोरोना दी टैस्टिंग नाल कोई संबंध नहीं हैगा, तो दूजे पासे आप ही कह रहे हैं कि 50,000 असीं ऑक्सीमीटर वंडांगे। तो पहली गल तो
इन्हां दी बखलाहट इस गल तो झलकदी है। नंबर दो ते असीं बिना किसी स्वार्थ तो जदों पंजाब सरकार जिहड़ी फेल हो चुकी है कोरोना का जिहड़ा नजिठण दे नाल तां असीं फैसला कीता चलो असीं लोकां नूं ऑक्सीमीटर जिहड़ा दे दांगे पिंड पिंड पहुँचा देंगे कि तुसीं अपना टेस्ट आप कर लो ऑक्सीजन दा जिहड़ा लैवल है जी ब्लड चो घट जे तां तुसीं उहदा जिहड़ा टाइम ते तुसीं डॉक्टर कोले पहुँच सकते हो जान बच सकती है। पर उनू भी यह जोड़ी जाते हैं कि तां पता नहीं देश द्रोही ने ये तां देश विरोधी ताकतों के हाथों च खेड रहे हैं। सो पता नहीं किवें जे पंजाब दे लोकां दी असीं सेहत दा 3 करोड़ लोगों की सेहत का ख्याल करते हैं तां इह देश द्रोह किवें है तां कैप्टन साहब दस सकते हैं। इस दे नाल ही मान ने महाराष्ट्र सरकार वालों कंगना रनौत नाल कीते जा रहे माड़े व्यवहार से बड़ा बयान दिता की कहा मान ने आओ देखते हैं। देखो कलाकार देश के सांझे होंगे ने तो साडा देश जिहड़ा लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक कंट्री है कितें भी कोई किसी नूं काम करन दी किसी नूं जाके रहन दी आजादी है। सो इस तरह की मेरे ख्याल च तंग दिली नहीं दिखाउणी चाहीदी किसी भी मामले च ते ना ही कोई इस तरह के भड़काऊ जां कोई इस तरह के बयानबाजी तो गुरेज ही करना चाहिए जिहड़े लोग पब्लिक लाइफ ने जिहदे नाल लोकां दे विच किसी किस्म का कोई डर भय सहम जिहड़ा उह पैदा हुंदा। महाराष्ट्र सरकार नूं सोभा दिंदा जी गृह मंत्री होण ते जिवें रावत जी होण ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਢਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੱਜ ਕੇ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਨੌਬਤ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਤਿੱਖੀ ਧੁੱਪ 'ਚ ਸੜਕ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਪਣੇ 1910 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 955 ਸਕੂਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਦੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਖੜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਨੌਬਤ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਣ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਜੇਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ NSQF ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਰ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਬਲ ਡਬਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਲੀਵ ਹੈ, ਜਨੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਸਾਨੂੰ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਖਰਚੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਾ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਆਪ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਸਰ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੇਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਰਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਲਿਸ ਤੈਨਾਤ ਰਹੀ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
इस मौके प्रदर्शनकारियों के चेहरे पर काफ़ी गुस्सा देखने को मिला। जिथे एक पासे विरोधी पार्टियां ते किसान जथेबंदियां पूरे पंजाब विच मोदी सरकार खिलाफ प्रदर्शन कर रही ने, उत्थे ही आर्डिनेंस मामले ते भाजपा दे अपनी ही वर्कर पार्टी खिलाफ बोलन लई मजबूर हो गए ने। जी हाँ, भाजपा वर्कर आर पी मेनी ने मीडिया सामने मोदी दे आर्डिनेंस का खुल के विरोध किया। जदों तो मोदी सरकार ने किसान विरोधी आर्डिनेंस पास किए ने, उदों तो ही विरोधी पार्टियां ते किसान जथेबंदियां वल्लों पूरे पंजाब च मोदी सरकार खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा। इन्हां दा तां मोदी सरकार खिलाफ बोलना प्रदर्शन करना सुभाविक है, पर हुण मोदी साहब दे अपने चेहरे ते अपनी ही पार्टी खिलाफ बोलन लग पए ने। जी हाँ, मीडिया सामने आ भाजपा के अपने वर्कर मोदी वालों पास किए आर्डिनेंस नू गलत दस रहे ने अते रज के मोदी खिलाफ भड़ास कढ रहे ने। नहीं यकीन तो खुद ही देख लवो। इसलिए मैं इस जिहड़े तीन ऑर्डिनेंस है उन्हां दा विरोध करदा, बहुत सख्त विरोध करदा। इस तीन ऑर्डिनेंस ने पंजाब की आर्थिकता नू जेही सट मारनी आ कि संभलिया नहीं संभलनी है। पंजाब दे इह कल्ला किसानां दा मुद्दा नहीं हैगा, आपां पढ़े लिखे लोकां च विचरदे आ, डॉक्टर इंजीनियर्स नाल गल हुंदी आ, वकीलां नाल गल हुंदी आ। लोग सोचते शायद ये पेंडू किसानों का मसला हैगा, ये साडा मसला नहीं हैगा, पर जिस दिन लोगों को समझ आनी है उस दिन गड्डी लंघ जानी है। इन्हां पुलों थनों पानी बहुत लंघ जाना तद तक, तो लोगों के कंट्रोल च नहीं आनी चीज़। एक एड्डी वड्डी साजिश आ, एक एड्डा वड्डा उन्होंने की कहें रोज़ी पिक्चर विखा के ना, एक बहुत सोहनी पिक्चर विखा के लोगों किसानों भरमाया जा रहा कि तुहाडी जिहड़ी इनकम आ 2024 तक दुगुनी कर देनी है। इन्होंने उन्होंने जिउंदे रहन जोगा नहीं छड़ना, इन्ना उन्होंने बुरा हाल कर देना। यह मोदी दी आर्डिनेंस खिलाफ बोलन वाला शख्स है भाजपा वर्कर आर पी मैनी, पेशे तो एक वकील है जिसने मोदी दी आर्डिनेंस का खुल के विरोध किया। दस दईए कि यह काफ़ी समय तो भाजपा के वर्कर ने अते लंबे समय तो पार्टी के नाल जुड़े हुए ने। इन्हों का कहना है कि जो तीन आर्डिनेंस बिल पास हो जा रहे हैं वह किसानों के नाल नाल हर वर्ग के आदमी को नुकसान पहुँचाएंगे। यह तीन आर्डिनेंस किसानों को खत्म करने लिए बनाए जा रहे हैं, हिंदुस्तानी की किसानी का यह आर्डिनेंस लख तोड़ के रख देंगे। अपने खेतों में उन्हें मुजहरे के तौर पर काम करना, एक कल्ला किसानों का नुकसान नहीं होना, एक खेत मजदूर का नुकसान होना, आढ़ती का नुकसान होना, आढ़ती के नाल जुड़े उस सिस्टम नाल जुड़े सैकड़े हज़ार लोग बेरोज़गार हो जाए। लेकिन गल मेरी उही है कि तुम भाजपा के एक वर्कर जे, तुम हूँ उसका विरोध करते पे जे। काफ़ी लंबे समय तो किसानों वालों भी इसका विरोध किया जा रहा है। बीते दिन जो 28 अगस्त में इजलास होया एक दिन का पंजाब च, कैप्टन सरकार ने भी इसका विरोध किया। लेकिन हूँ 14 तरीक न केंद्र के जोड़ा इजलास है, कि लगता कि भाजपा के वर्कर जिदा तुम बेबाकी ना बोल रहे इदा बोलेंगे? असूलों पे आए आँच तो टकराना ज़रूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नज़र आना जरूरी है। मैं इस गल का विरोध पहला भी करता हाँ कि साड़ी जिहड़ी पार्टी उहदा ना पंजाब प्रति स्टैंड स्पष्ट नहीं हैगा, ना पानिया के मुद्दे से स्टैंड स्पष्ट है, तो ना किसानों के ऑर्डिनेंस के मुद्दे से स्पष्ट है। तीन ऑर्डिनेंस है जे मैं तुहानूं दसदा स्टैप बाई स्टैप, तीन ऑर्डिनेंस है। वो तीन ऑर्डिनेंस मतलब 50 साल पुराना जिहड़ा बाहरले देशों सिस्टम फेल हो चुका सी, वो मॉडल फेल हो चुका, उन्हूं पंजाब दे उत्ते थोपण दी, हिंदुस्तान दे लोकां दे उपर थोपण दी कोशिश की जा रही। सब तो पहला उहदे च एक असेंशियल कमोडिटी एक्ट उहदे च जिहड़ा ना अमेंडमेंट की है, जिहड़ा ऑर्डिनेंस किया कि खाण पीण दीआं चीज़ां, तेल, आटा, दाल, होर जिहड़ियां चीज़ां ना तेल दे, तेल दे बीज, उहनां नूं ना उस असेंशियल कमोडिटीज़ दी लिस्ट चों बाहर कढ़ता। तुसीं पहलां इत्थे एक रेगुलेशन सी, कंट्रोल सी, तुसीं किन्नी जिनस, किन्नी फसल, किन्नी चीज़ स्टोर कर सकदे हो, स्टॉक कर सकदे हो, उहनूं ट्रांसपोर्ट किवें कर सकदे हो, ते सरकार दा कानून सी, कंट्रोल सी, हुण फ्री करता। इत्थों चुको समान ते चाहे मध्य प्रदेश लै लो, मध्य प्रदेश तों चुको तो कश्मीर लै लो, जिन्ना मर्जी समान होड उन्हूं तुसी स्टॉक करो, स्टोर करो, कोई पुछण वाला नहीं। तां इन्ने काला बाजारी नूं अजिहा जन्म देना कि लोग सोचा करनगे कि अज कल चीज़ 10 रुपए की लई ही, अज 150 रुपए की कितना लै लीए। खरीदने वाले 5 बंदे होने हैं तो वेचण वाले लखा बंदे होने हैं, 5 बंदिया ने पूल कर लेना तो लोगों समझ, उन्होंने पता भी वेच खरीदने वाले असी ही हैं,
सरकार जिहड़ा MSP हुंदा ना उहदा मतलब हुंदा मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜੱਟ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਆਹ ਤੇਰੀ ਫਸਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਬੀਜਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚੋਂ MSP ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਦ ਹੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕਿੱਲੇ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਬੀਜ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਖਾਦ ਪਾਉਂਦਾ, ਸਪਰੇ ਕਰਦਾ, ਲੇਬਰ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੁੱਲ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਧੀ ਵਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਕਿ ਲਿਸਟ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੱਢਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਫਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟੋਰ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਲਿਮਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਨਾ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚੋ, ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵੇਚੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ CACP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ MSP ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਡੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਫਸਲ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਮਰਥਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਨਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੱਲ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਇੱਕ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਆ। ਵਾਲਮਾਰਟ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੁਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹੀ ਮਾਡਲ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਮਾਡਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਤਾਜ਼ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੱਕਦੇ TV। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ, ਫੈਕਟਰੀ ਕਪੈਸਿਟੀ 500,000 ਮਾਸਕ ਪਰ ਡੇ, 2 and 3 ply disposable face mask, 3 ply disposable face mask with nose wire, RN95 respirator face mask, adjustable nose piece for ultimate comfort. For bulk order and more information, www.risley.org.